हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये है, इस वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन क्या है हिंदू विरोधी कांग्रेस, यानी कांग्रेस हिंदू विरोधी है क्या, वो एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ये आरजे रौनक की वीडियो है फ्रेंड्स, तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। दोस्तों, कल तक कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया, उस बयान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या कहा था उन्होंने, पहले आप वो देखिए। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आपको बता दें, इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस के लीडर्स ने उस कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया, तब भी आचार्य प्रमोद ने अपनी पार्टी की खूब आलोचना की थी और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। और आचार्य प्रमोद ही नहीं, एक के बाद एक कई कांग्रेसी लीडर्स पार्टी के एंटी हिंदू रवैये की वजह से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस में रही राधिका खेड़ा जी ने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दर्शन करके आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और ऐसा नहीं कि ये कोई दल बदलू टाइप के नेता हैं, राधिका जी 2 दशक से ज्यादा कांग्रेस में थे। इसी तरह टीवी डिबेट्स का जाना माना चेहरा और कांग्रेस के पूर्व नेता गौरव वल्लभ भी ऐसी ही बात कहकर पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने बोला था कि जिस तरह पार्टी में आए दिन सनातन का अपमान हो रहा था, सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ चुप रहने के लिए कहा जा रहा था, जिस तरह पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या न जाकर प्रभु श्री राम का अपमान किया, ये सब मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। आपको नहीं लगा जब पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया, प्राण प्रतिष्ठा को, उसके बाद आपने मुझे कभी टीवी शो में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? मैंने प्रयास किया कांग्रेस के हर बड़े नेता को इस बारे में अपनी भावनाओं को अवगत कराने का। राधिका जी और आचार्य प्रमोद भी कोई मामूली नेता नहीं थे, इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो उन्हें टीवी पर कांग्रेस का सबसे दमदार चेहरा मानते। उनकी तो पहचान ही इस बात से थी कि वो ज्यादातर बीजेपी प्रवक्ताओं की बोलती बंद करवा देते थे, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। अगर उन जैसा नेता भी पार्टी नेताओं पर भगवान राम के अपमान की बात करता है तो क्या इसे टाला जाए या नहीं टाला जाए, आप बताइए। अब सवाल ये कि अगर आचार्य प्रमोद झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, तो कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा झूठ बोलने पर आचार्य प्रमोद पर केस क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि अब तक राहुल गांधी की तरफ से इसका खंडन नहीं आया? अगर ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक गांधी परिवार का कोई नेता दर्शन करने नहीं गया, तो ये भी झूठ नहीं है। अगर आप लोग के पास कोई विजुअल है तो दिखाइए। और ऐसा भी नहीं है कि एंटी राम या एंटी हिंदू स्टैंड लेने का कोई ये पहला मामला है। अगर आप पिछले 20 सालों पर ही नजर डालें तो ऐसे बीसियों एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। इनफैक्ट कुछ देर में हम आपको एक एक करके ऐसे बयान दिखाएंगे और सुनाएंगे, और आप उनको देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक साइड को आतंकवादी साबित करने पर तुली है, और जो सचमुच ऐसी सोच रखते हैं उन्हें बेचारा बोलती है। मगर दोस्तों, ये बात है साल 2010 की। राहुल गांधी भारत आए अमेरिकी ग्रुप के कुछ नेताओं से मिल रहे थे, उनमें उस वक्त भारत में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर भी थे। राहुल गांधी ने उस वक्त अमेरिकी राजदूत को कहा कि भारत को लश्करे तैयबा जैसे आतंकी संगठन के मुकाबले कट्टरपंथी हिंदू संगठनों से ज्यादा खतरा है, और ये बात राहुल गांधी ने उस वक्त कही जब पिछले 10 सालों से देश में लगातार कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की तरफ से हमले हो रहे थे। देश की संसद पर पाकिस्तान से आए लोगों ने हमला किया, मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद में इस्लामिक जिहादियों ने सीरियल ब्लास्ट किए, मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, और राहुल गांधी अमरीकी राजदूत को ये समझा रहे थे कि देश को असली खतरा हिंदू आतंकियों से। और ऐसा नहीं है कि उनकी कोई जबान फिसल गई। इसी साल 2010 में उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर के चिंतन शिविर में उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। और 2008 में मुंबई में 26/11 के सीरियल धमाकों के बाद दिग्विजय सिंह का बयान तो शायद ही कोई भूला होगा। उस वक्त जब पूरी दुनिया उस हमले का दर्द झेल रही थी, 250 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में मारे गए, दिग्विजय सिंह आगे आकर बोल रहे थे कि ये हमले तो आरएसएस की साजिश। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता,
लेकिन जो भी हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाता है वो आरएसएस का क्यों होता है, इसका जवाब भी आरएसएस को देना चाहिए। मैं पूछता हूँ कैसी सोच है ये? देश पर ज्यादातर हमले पाकिस्तानी जिहादियों की तरफ से हो रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी देश को असली खतरा हिंदू आतंकवाद से बताते हैं। सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह जबरन हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव फैलाते हैं। और तो और, उस वक्त यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे लालू यादव के रहते ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि गोधरा की ट्रेन में किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई बल्कि वो एक हादसा था। मतलब हिंदुओं को उन मामलों में भी फंसाओ जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और दूसरे पक्ष को वहां भी क्लीन चिट दे दो जो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने किया और उसके लिए वो जिम्मेदार है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं को आतंकी बताकर कांग्रेस को एक पक्ष को खुश रखना है, वो तो दूसरे पक्ष को खुश करने में इतने आगे निकल जाते हैं कि उसके बड़े बड़े नेता आतंकियों को भी जी और साहब कहकर पुकारने लगते हैं। अब आप ये तीन बयान सुनिए और खुद कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि क्या इन तीनों की जबान फिसल गई थी, या इनकी हिंदी कमजोर है, या फिर नीयत खराब। मसूद अजहर जी हाफिज सईद साहब अफजल गुरु जी को। दोस्तों, बीजेपी का ये कहना है कि चाहे राम मंदिर का बहिष्कार करने का कांग्रेस का फैसला हो, या बार बार हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का नैरेटिव हो, या दूसरे पक्ष का वोट लेने के लिए बार बार उन्हें पुचकारना हो, इन्हीं सब बातों से बीजेपी आज ये दावा कर रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपसे आपकी दौलत लेकर एक खास माइनॉरिटी को दे देगी, ओबीसी आरक्षण में ओबीसी का हिस्सा छीन कर एक खास धार्मिक वर्ग को उसमें से आरक्षण दे देगी। और तो और, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के चीफ लालू यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी क्या कहा, आप खुद सुनिए। आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। हम फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दें कि किसी भी पार्टी को वोट लेने के लिए एक सेक्शन को, एक वर्ग को पुचकारना और दूसरे को गाली देना बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। मगर जब आप बार बार साल दर साल ऐसा करते रहें तो फिर ये मत कहें कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है। बीजेपी का कहना है कि अगर झूठ है तो कांग्रेस ये साबित कर दे कि उसके नेताओं ने हिंदू आतंकवाद को देश के लिए बड़ा खतरा नहीं बताया था। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि अगर झूठ है तो कांग्रेस पार्टी आगे आकर ये भी बोल दे कि हम सत्ता में आए तो धारा 370 को नहीं हटाएंगे। अगर आचार्य प्रमोद झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेस नेता कह देना कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि सत्ता में आए तो राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। अगर लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेस कह दे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि चुनाव के वक्त जब सारा खेल होता ही है नैरेटिव गढ़ने का, धारणाएं बनाने का, तो कांग्रेस इन बातों का खंडन क्यों नहीं करती? बिल्कुल आके करना चाहिए, पर ये क्यों नहीं करती, इसकी वजह बेहद साफ है। शायद वो भी यही चाहती है कि जिस वर्ग का उसे वोट लेना है वो भी यही माने कि कांग्रेस ऐसी ही है। उसे ये लगे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों को आरक्षण देगी। कांग्रेस चाहती है कि उसका वोट बैंक ये माने कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट सकती है। आपको याद होगा कि 8 साल पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो उसे मोदी को हटाना होगा। यही मणिशंकर अय्यर थे जिनकी बेटी पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों के पक्ष में उपवास रखा था। इसे लेकर उन पर केस भी हुआ था। और इन्हीं अय्यर जी ने इस साल भी पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की आलोचना की और पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। अब होता यह है ना बॉस कि जब भी अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ऐसे बयान देते हैं तो पार्टी उसे उनका निजी बयान बोलकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अंदर उन्हें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि ये लोग हैं तो कांग्रेस के ही। उनके ऐसे बयान देने से उनका खास वोटर वर्ग खुश हो जाएगा। इसलिए बीजेपी अगर ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है तो वो भी झूठ नहीं कहती। मगर दिक्कत तब आती है कि जब आप एक वर्ग को खुश करने के लिए इस देश के बहुसंख्यक को ही गाली देने लगते हैं, उनके सबसे बड़े आराध्य भगवान राम का अपमान करने लगते हैं, ये किससे बर्दाश्त होगा बताइए? और शायद इसीलिए भगवान राम के इस अपमान से दुखी होकर आचार्य प्रमोद से लेकर राधिका खेड़ा और गौरव वल्लभ तक एक एक पुराने कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बाकी इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हैं? या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का फैलाया झूठ, कांग्रेस बहुत मासूम है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो सही लगी हो इसे जमकर फैलाना, शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी ओपिनियन देकर अगर पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत सारे प्राइजेस जीतना। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत अच्छी तो थी ही, लेकिन समझने लायक ये वीडियो बहुत थी फ्रेंड्स, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो पूरा का पूरा पुष्टिकरण की राजनीति पर ही चल रहा है फ्रेंड्स। जैसे जैसे कांग्रेस के आगे जो बयान दिए हैं, उनके जो मैनिफेस्टो में है वगैरह, उनको ही मतलब उनका मुद्दा बना के
हमारे सामने परोसा जा रहा है फ्रेंड्स, और मुद्दा भी तो बनेगा क्योंकि कांग्रेस के बयान आगे ऐसे रहे हैं और उनके मैनिफेस्टो में ऐसे ऐसे ऐसी कुछ बातें है जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती है फ्रेंड्स। और कांग्रेस की यही रणनीति है, वो शुरू से ही मतलब शुरू से ही बोले तो वो हिंदुओं को उन्होंने इग्नोर किया है, और हिंदुओं की जो वोट की ताकत कांग्रेस को भी तब पता चली जब 2014 में मोदी जी ने धड़ल्ले से ये बोला कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, और वो मंदिर मंदिर गए फ्रेंड्स, और उन्होंने एक भारत के सामने भारत की जनता को जो इतने सालों से कांग्रेस ने कभी हिंदुओं का पक्ष लिया ही नहीं है फ्रेंड्स, और उन्होंने कभी हिंदुओं के वोट की ताकत समझी ही नहीं है फ्रेंड्स, और हिंदुओं ने भी कभी ये सोचा नहीं है, वो भी वोट दे देते थे फ्रेंड्स, लेकिन हिंदुओं की जो वोट की ताकत है वो मोदी जी ने समझी और देश के सामने इन विपक्ष को दिखाई कि ये ताकत होती है हिंदुओं की वोट की भी। तो यानी हाँ, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हम दूसरे धर्म को या दूसरे धर्म के लोगों को कसूरवार नहीं ठहराते, कोई कसूरवार इसमें नहीं है, कसूरवार है सिर्फ और सिर्फ नेता। नेता ने हमेशा से बांट के रखा है, अगर उनको मुसलमान का वोट चाहिए तो हिंदुओं को कोसेंगे, और हिंदुओं का वोट चाहिए तो वो मुसलमान को कोसेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अब की बार जो है दो टर्म से मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे, ये पुष्टिकरण की जो राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती थी, और इस बार मोदी जी ने धड़ल्ले से हर मंचों से ये चीज बोली है। मतलब ये बोली है तो उसका मतलब ये नहीं है, अभी मैं बार बार ये बोल दे रही हूँ कि दूसरे धर्म के लोगों को कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं है। कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं, और कांग्रेस उनको कवर भी नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा खेल था वो खुल गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया। और राम मंदिर जब रामलला भव्य तरीके से विराजमान हुए 500 साल बाद मंदिर अयोध्या में मंदिर में फ्रेंड्स, तब कांग्रेस नहीं गई, तो वो सीधे सीधे उनका चेहरा बेनकाब पब्लिक के सामने हो गया, इसीलिए वो इस बार कुछ भी बोलने के उस मतलब बोलने में भी नहीं है कि वो बोलेगी भी तो क्या बोलेगी। और एक बात, उनके जो नेता भी आ रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो भी धड़ल्ले से ये बयान दे रहे हैं कि ज़्यादातर उनके जो नेता है वो इसीलिए छोड़ रहे हैं, पुराने नेता आचार्य प्रमोद जी उन कांग्रेस के बहुत बड़े नाम है, उन्होंने कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा। हालांकि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आचार्य प्रमोद जी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, निलंबित कर दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि वो राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तब वो गए थे और मोदी जी से वो मिले थे फ्रेंड्स, इस कारण कांग्रेस ने उनको निलंबित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है कांग्रेस ने फ्रेंड्स। तो कांग्रेस जो है अब की बार उनका चेहरा जो है ना वो मोदी जी ने बेनकाब कर दिया है फ्रेंड्स। और देखिए राजनीति, ठीक है, हमारा देश है राजनीति है फ्रेंड्स, और राजनीति देश तभी है जब हमारे आराध्य है। अब आराध्य को भी इन लोगों ने राजनीति में आज से नहीं सालों से घसीटा है फ्रेंड्स। पहले बीजेपी भी ये जम के नारा लगाती थी कि हम आएंगे राम मंदिर बनाएंगे फ्रेंड्स, वो आए उन्होंने बनाया फ्रेंड्स, तो अब वो हमारे आराध्य है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये चीज थी और बनी, वो चीज कांग्रेस यही उनके दिमाग में है फ्रेंड्स, यू नो ये नहीं दिख रहे हैं कि वो राजनीतिक
का मुद्दा नहीं है राम मंदिर, राम हमारे आराध्य है, उनको हमको स्वीकारना ही स्वीकारना है फ्रेंड्स। वो चीज़ कांग्रेस नहीं समझ रही है और उनको पब्लिक ने दो बार पहले भी समझा दिया था और अब की बार भी पब्लिक समझाने में चूकेगी नहीं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।